हेलो बच्चों, मैं केपी सर, फिजिक्स वाले प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से। आज के टॉपिक के साथ लाइट, 10th क्लास में जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, और इसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यूज ऑफ मिरर्स, यूज ऑफ लेंसेज, सारी चीजों को यहाँ पे वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हम डिस्कस करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए जो लाइट है वो लाइट है क्या, लाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है। लाइट पे हमें दिखाई नहीं देती है, लाइट बिना मीडियम के मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट की एक स्पीड भी होती है जो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। ये एयर में और वैक्यूम में दोनों से चलती है, और किसी भी मीडियम में ये मूव कर सकती है। जब ये किसी मीडियम में मूव करती है तो इसकी जो स्पीड होती है उसमें थोड़ा चेंज आता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, जो नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक में वहां पर हम सीखेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी दिखाई गई है रिलेटेड टू द लाइट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ये इनविजिबल भी होती है, ये आंखों पे एक सेंसेशन जनरेट करती है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट दिखाए गए हैं जो लाइट है वो कैसे मूव करती है। एक पार्ट दिखाया गया है रे ऑफ लाइट, जो सिंगल रे के द्वारा दिखाया गया है, और ये जो रे है रे ऑफ लाइट। सेकंड है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट जिसमें बहुत सारी रेज मूव करती है एक साथ, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। इसके साथ साथ एक पेंसिल टाइप का भी होता है जिसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कह देते हैं, जिसमें बहुत सारी जो रेज है वो एक साथ आएंगी और किसी पॉइंट पर हमें इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। नेक्स्ट होता है एक डाइवर्जेंट टाइप का। डाइवर्जेंट क्या होता है, जिसमें जो रेज है वो आउटर साइड में मूव कर रही होती हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ सोर्स से निकलती रहेगी। अब हेडिंग आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि एक सरफेस है, कोई भी सरफेस। सरफेस कैसी होगी जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे दिखाया गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है, देखिए लाइट रे आ रही है यहाँ से इंसिडेंट कर दी है, और जो नॉर्मल होगा यानी एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन में टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल की राइट साइड में, और इंसिडेंट रे जो लेफ्ट साइड में दिखाई गई है, तो यही रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट करेगी तो वो उसी मीडियम में वापस लौट कर आ जाएगी, बिल्कुल सेम एंगल पर आएगी, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितने भी चीजें होती हैं जैसे हम लोग अपना चेहरा मिरर में देखते हैं या अदर जो थिंग्स हमें दिखाई दे रही है वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इसके दो लॉज भी होते हैं, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, था इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे ये वाली यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ही एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करती है, नॉर्मल भी इनके साथ ही रहता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये जो इंसिडेंट एंगल है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन में जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल आई कहते हैं, और राइट साइड में जो बना हुआ है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन वो है हमारा और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये दोनों जो एंगल हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमारा सेकेंड लॉ है। यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलती है, जो लाइट रे आ रही है वो एक्चुअली में वो अपने एक्चुअल पथ से कितना डाइवर्ट हो जाती है। ये जो हट गई है यहाँ पे, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपने एक्चुअल पथ से जितना दूर हट गई है, इसको हम उसका बोलते हैं डेविएशन, के एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हम कई तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, और सॉरी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई जो इंसिडेंट एंगल है उसके टर्म में होगा 180 - 2i। कैसे देख सकते हैं भाई, एक ही स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। 180 में से अब यहाँ देखिए ये जो इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों इक्वल हैं, तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा भाई, 180 माइनस आई प्लस आर, जबकि दोनों आई और आर क्या है, बराबर है, तो हमने आई रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे ये 2r भी रख सकते हैं, तो 180 माइनस 2r। और ये एंगल अगर इंसिडेंट रे का एंगल विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में थीटा है,
तो उस केस में जो डेविएशन एंगल होगा वो हमारा ये वाला होगा, डेल इज इक्वल टू टू थीटा। क्लियर? नेक्स्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इमेजेस होती हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एक रियल इमेज होती है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है लेंस और एक मिरर के केस में। मिरर होगा वो मैं बता दूंगा आगे जाकर कौन से केस में रियल होगी, वैसे बता देता हूँ जो हमारा कॉनकेव स्पेरिकल मिरर होता है उसके केस में इमेज जो है वो रियल बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की। बाकी लेंस के केस में पॉसिबल है, और कुछ कंडीशंस में जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वर्चुअल इमेज होती है। जैसे देखिए, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने हमने एक रियल ऑब्जेक्ट लिया जिसे रे चली जो रिफ्लेक्ट होकर के आउटर साइड में चली गई, जिनका इमेजिनेशन करने पर यहाँ पर ये हमारी वर्चुअल इमेज बनी। और भी देखिए, एक रियल इमेज है, रियल इमेज का मतलब रियल इमेज बनती है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऐसा फील होता है कि वो बिहाइंड द मिरर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि रे जा रही है, एक रे आई इधर से और एक रे आ रही है, दोनों का इमेजिनेशन करने पर यहाँ पर ये पॉइंट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो जहां पर टच करिए वहां पर बनती है हमारी रियल इमेज। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्मेशन, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे दिखाया गया इमेज फॉर्मेशन, देखिए वन बाय वन। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के लिए मान लीजिए इसके इन फ्रंट ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और इसमें देखिए पर और रे चल रही है और जो रिफ्लेक्ट होकर के आउटर साइड हो जा रही है, इनका इमेजिनेशन यहाँ पे करने पर इमेज बन गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, रे चली, रिफ्लेक्ट हुई, इमेज यहाँ पे बनती है। और भी हम देख सकते हैं इसके बारे में, जो प्लेन मिरर है ये देखिए, इसके सामने यहाँ पर कोई भी एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे चली उससे, जिसके मिरर के बिहाइंड में सेम साइज की इमेज बनती है। तो ये प्रॉपर्टीज इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके प्लेन मिरर के बारे में, कि ये जो जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज की इमेज बनती है, और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, और वो जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, और ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। जो यहाँ पे दिखाया गया है लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जैसे हमारा राइट हैंड है मिरर की तरफ दिखाएंगे तो हमें ऐसा दिखेगा जैसे कि वो हमारा लेफ्ट हैंड है, और अगर हम लेफ्ट हैंड करेंगे तो वो हमें ऐसा दिखेगा जैसे हमारा वो राइट हैंड है। ठीक है, देखिए, अब टू प्लेन मिरर जो होते हैं उनके बिटवीन में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनेंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं टू पैरेलल प्लेन मिरर्स के बिटवीन। उसका सिंपल फॉर्मूला है, मान लीजिए दोनों मिरर थीटा एंगल पर रखे हुए हैं तो उनके बिटवीन में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो 360 बाई थीटा। अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस एक कम होगी, उसमें से हम एक सबट्रैक्ट कर देंगे, और अगर वो ओड आ रहा, ओड में भी दो केसेज होते हैं, अगर वो ओड है और जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाई सेक्टर पर रखता है, एंगल ऑफ बाई सेक्टर होता है जो बिटवीन लाइन से पास होगा, यहाँ दोनों मिरर्स के बिटवीन से पास होता है। ठीक है, और एक दूसरा जो केस होगा उसमें ये होगा, अगर मान लीजिए वो उससे पास नहीं हो रहा, कहीं भी आ रहा, ओड आ रहा है, तो उसे हम 360 बाई थीटा ही लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, दो प्लेन मिरर है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बिटवीन में कितनी इमेजेस बनती है, 360 बाई जीरो, क्योंकि पैरेलल मिरर्स के बिटवीन का एंगल कितना होता है, जीरो, जिसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट इमेजेस बन जाती है। राइट, देखिए हमने और भी एग्जांपल लिए हैं, जैसे 90 डिग्री पर बने हैं, 90 डिग्री पर रखे हुए हैं दोनों पैरेलल प्लेन, पैरेलल मिरर जो मिरर से 90 डिग्री पर रखे हुए हैं तो कितने एंगल बनेगा भाई, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री पर तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 4 होंगी, बट ये 4 कैसा इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, 3। सिमिलरली भाई 180 पर रखा, 120 पर रखा, ऐसे हम ये 1 by 1 चेक कर सकते हैं, अगर वो इवन आ रहा है तो उसमें से एक सबट्रैक करेंगे, और अगर वो ओड आ रहा है तो उसे सेम रहने। ठीक है, इसके बाद जो प्लेन मिरर के बाद आता है जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉनवेक्स। तो कॉनकेव जो सरफेस होती है ये हमारी जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो इनर साइड की तरफ होती है, और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कॉनवेक्स मिरर की वो आउटर साइड की ओर होती है। क्लियर, तो ये हमने दिखाए हैं यहाँ पर, ये स्फीयर्स के पार्ट होते हैं, काटे हुए पार्ट। इसकी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की ओर है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटर साइड की ओर है, जिसके बेस पर हम इनको डिफाइन करते हैं कि भाई टू टाइप के होते हैं। हम इसका एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे एक चम्मच ले ली हमने, चम्मच का जो जिसकी तरफ हम खाना रख के भर के देख सकते हैं वो वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव वाला पार्ट, क्योंकि उसमें जब हम इमेज देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे, तो हमें
उल्टी इमेज दिखाई देगी उसमें। और अगर हम उसकी आउटर पार्ट ले लेते हैं, चम्मच का जो आउटर पार्ट है गड्ढे वाले से दूसरे साइड का, उधर से देखेंगे तो हमें चेहरा अपना कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। इसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि भाई ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं इससे रिलेटेड। देखिए जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो हमारा मिरर होता है उसके सेंटर से जो पासिंग लाइन होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और उसको जो एज्यूम जो हमने स्फीयर माना उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक मिरर का एक मिडल पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं, पी से यहाँ पर डिनोट किया गया। एक सी और पी के बिटवीन में एक और पॉइंट होता है जिसे हम मिडल पॉइंट कहते हैं, फोकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सी और पी के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पे कैपिटल आर से दिखाई गई है, और एफ और पी के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, वो है फोकल लेंथ। और यहाँ पे एम वन एम टू जो पार्ट दिखाया गया हाथ में डायग्राम, इसे हम अपर्चर भी कह देते हैं, अपर्चर ऑफ दी स्फेरिकल मिरर। एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट आधी होती है क्योंकि उसके मिडल में पॉइंट लाई करता है। यहाँ पे कुछ बेसिक रूल हैं, इमेज फॉर्मेशन रूल। देखिए ये बेसिक रूल्स हैं दोनों ही मिरर्स के लिए हैं। ये देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पर अगर कोई लाइट रे इसके पोल पर आगे टकराती है तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी साइड में। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर है, इससे एक लाइट रे आई दूसरी साइड में, ये भी ऐसे। तो इस तरीके से इनका वो दिखा रखा है, जो पैरेलल आती है वो फोकल से जाएगी, जो फोकल से आती हुई दिख रही है वो हमेशा आउटर साइड में पैरेलल होके चली जाएगी। तो इस तरह बेसिक रूल्स हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, ये 10th क्लास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही है कि भाई इसको थोड़ा समझे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा।